हेलो आप सबको, कैसे हैं आप लोग सब? हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। और आज है संडे और आज हम लोग जा रहे हैं, जो हमारी लवी आंटी हैं हम उनके घर जा रहे हैं सभी। आज उनकी बेटी की हल्दी सेरेमनी है, उनकी सबसे छोटी बेटी जो है उसकी, नैना की। तो अभी हम लोग बस तैयारी हो रहे हैं और मैं भी बस तैयार होने जा रही हूँ। और मम्मी नहीं जा पाएंगी क्योंकि मम्मी के लिए इतनी देर बैठना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उनके पास कोई ना कोई रहेगा, शायद ये रहेंगे घर पे। बाकी हम लोग जा रहे हैं, बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं वहाँ पे, तो बस मैं और गुड़िया रह गए हैं। तो हम दोनों भी बस तैयार होके जा ही रहे हैं और फंक्शन बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा क्योंकि वो लोग भी आ गए हैं। जो लड़के वाले हैं उनको दिल्ली से आना है तो वो लोग भी आ गए हैं, तो बस अब वहीं चलते हैं और वहीं आपको भी लेके चलते हैं। तो देखते हैं आज की ये जो हल्दी सेरेमनी है कैसी रहती है। और 9th को उसकी शादी है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी दिखाएं कि क्रिश्चियन मैरिज कैसे होती है, क्योंकि मे भी हो सकता है कई लोगों को पता नहीं हो, देखा नहीं हो उन्होंने। तो हम अपने व्लॉग के ज़रिए आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कि क्रिश्चियन मैरिज कैसे होती है, पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल तो अभी चलते हैं हल्दी सेरेमनी पे और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। तो वहीं चल के आपसे मिलते हैं। फिलहाल तो अभी बैठे हैं और वेट कर रहे हैं, जो हमारे चर्च के पास्टर है वो आए नहीं है और सब बातें कर रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं हम सब बैठे हैं और अभी हम सब लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं भाई साहब का। फिलहाल जैसे ही भाई साहब आ जाएंगे तो फंक्शन स्टार्ट होगा हल्दी सेरेमनी का। जो पाठ मेरे और आपके सामने पढ़ा गया, या मैं कहूँ जो पद मेरे और आपके सामने पढ़ा गया, भजन 107। तो प्रेयर भी हो गई है, अब हल्दी सेरेमनी को स्टार्ट करेंगे। अभी सब बैठे हुए हैं तो, और वो बैठी हमारी दुल्हन बैठी हुई है हमारी दुल्हन। अभी पास से भी मिलवाते हैं आपको। एक
लेने ना बुआ बस सारा प्रोग्राम खत्म हो गया है, अब घर चलते हैं। बहुत सारी फोटोग्राफ्स ली है, वीडियो बनाई है, बहुत अच्छा रहा आज का। तो बस अब घर चलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया और मुझे बहुत सारा काम था। तो बस अब ठीक है, अब घर चलते हैं, बहुत हो गया, बहुत सारा काम करना है घर जाके। तो घर चल के मिलते हैं आपसे। तो फिलहाल तो घर आ गए हैं और फंक्शन अच्छा रहा हल्दी का, और अब नाइट को उसकी शादी है और देखते हैं कैसे। छुट्टी तो स्कूल से नहीं ले सकते बिल्कुल भी, क्योंकि सैटरडे में पीटीएम है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे ही अभी पीछे दिनों में बीमार रही तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ी थी। फिलहाल मम्मी और ये तो नहीं गए थे, मैं समय बच्चे गए थे तीनों, गुड़िया और मैं गए थे, तो अच्छा रहा। और नितिन भी थे।
तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ आके घर आके एक चीज़ पता चली मुझे। अमित ने कहा कि आज है ना गुड़िया का बर्थडे है। मैंने कहा है आज कहाँ से है? मैंने कहा उसका तो 6 सितंबर में आता है बर्थडे और आज है 6 नवंबर। तो कह रहे कि मम्मी ने मुझे बोला, अब मम्मी ने इन्हें बोला कि आज गुड़िया का बर्थडे है और मम्मी ने इनसे ना ऑनलाइन केक भी मंगवा दिया, केक अंदर रखा हुआ है। और केक है ना हवा केक, ये देखो केक मंगवा के रखवा दिया मम्मी ने इनसे। तो देखिए, और आके हम इतने मुझसे पूछा आज गुड़िया का बर्थडे है। मैंने कहा आज कहाँ से? उसका तो सितंबर। और तो सुनो, अभी ये बता रहे हैं कि खाना है ना ऑर्डर करने वाले थे ये, कि चलो मतलब क्योंकि हमें लेट हो गया था तो इन्होंने सोचा कि चलो केक के साथ साथ खाना भी ऑर्डर कर देता हूँ। लेकिन ये वेट कर रहे थे कि हम लोग आ जाएं तभी पूछ के मंगवाएंगे कि क्या मंगवाना है। और हमने कहा चलो कोई बात नहीं, केक पार्टी करते हैं, खाते हैं केक। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे ना अपने स्कूल का भी वर्क करना है, रिजल्ट तैयार करना है और अभी खाना भी बनाना है तो, और वीडियो एडिट भी करनी है। तो इस व्लॉग को यहीं तक ही रखते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। आगे उसकी शादी की भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। और हाँ, अब हमारी आगे आने वाली वीडियो में आप हमारे घर का होम टूर भी हम आपको देने की सोच रहे हैं, क्योंकि सेटअप हो गया है, वाइट वॉश भी जितना काम मतलब फैला हुआ था ना सब ऑलमोस्ट डन हो गया, इन्होंने सारा कर दिया है। बस अभी है ना जो स्टेयर्स की जो रेलिंग है वो रह गई है, गेट रह गया है पेंट करने के लिए। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको एक होम टूर देते हैं, एक हल्की सी झलक मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर भी हम, जहाँ पे मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ यहाँ पर भी थोड़ा सा हमने सेटअप चेंज कर दिया है और बाकी अच्छी तरह से बिल्कुल विस्तार से आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। हल्की सी झलक दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर आपको। और यहाँ पे हमारे ये देखो मुझे खांसी से रोने लगी तो हमारी ये देखो आप कितनी सुंदर लग रही है, पूरी बेल आ गई है, मतलब फ्लावर्स आ गए। तो बस इतना ही, बाकी मैं आपको दिखाऊंगी जब हम अपना घर का होम टूर देंगे। तो फिलहाल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ यू।